ब्रेकफास्ट स्वागत। दुर्घटना रे कावड़ी अमृत ब्रह्मपुर 16 नंबर जातीय राजपथर रंधा छक दुर्घटना घटी। पाने जावाबे अजणा गाड़ी धक्के जणे कावड़ियांकर मृत्यु घटी। मृतक हेले भिकारी बेहरा घर केउड़ सुनापुर गांव। गोलंथरा थाना पुलिस मृतदेह जबत करने घटनार तदंत चल। छतरपुर निकटे अन् एक दुर्घटन दुई कावड़िया आहत होते दुईजण ब्रह्मपुर एमकेसीजे मेडिकल भर्ती कर। गंजाम सेरगढ़ गोठ गांव गुलिकांड गुलीमाड़ जोगी स्वाई नामक जणे युवकों मृत्यु होई। गुरुतर अवस्था जोगी को ब्रह्मपुर विशाखापाटना नियाजवा रास्तारे तांकर मृत्यु होई। आहत जोगी छाती में दुईट गुली बाजिता। पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर गुलिकांड घटना सन्देह कर। गांव पूर्वतन सरपंच शिवराम सेठी और अन्य दुई सहयोगी जोगी गुलीमाड़ कर अभियोग। जोगी पूर्व विभिन्न थाना अपराधिक मामला रही। गुलिकांड पर अभियुक्त माने फेरार अछन्ति। सेरगढ़ थाना पुलिस घटनार तदंत चल। बर्षार बुड़ा बस प्रबल बर्षार रास्त पा जमा हवा फल एक जत्रीवाह बस बुड़ जा। देखु दृश्य को किभली भाव बस बुड़ रही बर्षा पा खोर्धा जटणी भूतल रास्तार यह दृश्य। प्रबल वर्षा जो सृष्टि एभली परिस्थिति। बस सह एक हाइवा पाने बुड़ जा तेरे समस्त यात्री सुरक्षित भाव उद्धार होती। वर्षा जो भूतल रास्त अनेक समय परिस्थिति सृष्टि होते कौन समाधान कर स्थानीय बासिंदा अभियोग कर। वर्षा पर दीर्घ समय धरी खोर्धा पिपिली गाड़ी चलाचल बंद रही। तेज अधिक सूचना फोनलाइन अच्छा प्रतिनिधि संतोष बारिक। संतोष आम जो चित्र बर्तमान देखु वर्षा बस टी बुड़ जाइए कौन वर्तमान स्थिति रही वर्तमान अपडेट कौन? हाँ सीटा जो काली रात घटना कह सब जो प्रबल वर्षा होता देखु देखु सांगे सांगे पा फुल भूतल रास्त जहाँफल जो हाइवे टी जा गोटे सिटी बस जा बस भितर हठात पा पशिता और तरबरिया भाव में जी जात्री थे बस ड्राइवर और कंडक्टर समस्ते पलि बस टी संपूर्ण बुड़ जाता और हाइवे टी बुड़ जाता। केवल काली राति वर्षा कहानी टिके वर्षा हेले जटणी समस्त सहर पा से भूतल रास्ता को जाठार ही पा जमी रोच दीर्घ समय धरी पिपिली को रास्ता बंद रोच जहाक नहीं एक प्रकार जन असंतोष देखा दे गोटे पटे ब्रिज राम मंथर गति से चली अंपटे जो जंत्रणा दे भूतल रास्ता नहीं प्रबल जन असंतोष देखा दे आगामी दिन में विभिन्न समय विगत दिन में आंदोलन करपर्त कौन स्थायी प्रतिकार से नहीं सरकार पक्षर और जिला प्रशासन पक्षर कराई स्लिंगा। तेज संतोष वर्तमान भूतल रास्तार पा वर्तमान निष्कासन करोसी व्यवस्था करण बारंबार स्थित उपजुची स्निग्धा गत का कथा कहीं कह जिते भी पा हो अग्निशम विभाग कहतु किल प्रशासन कहतु से मोटर लग जाए पा को निष्कासन कलापर ही बाट फिटुच पा निष्कासन करट फिटि जो बुड़ी जा बस और हाइवा आ गए अटो से सबू को उद्धार करतमान जातायात स्वाभाविक होती स्निग्धा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष बारे थी प्रतिनिधि। वर्तमान जातायात स्वाभाविक होती अधिक सूचना देते आमको सिद्धार्थ रख। महानदी को ट्रक खसवार दिनक पर भी निखोज ड्राइवर एवं हेल्पर पता मिलना। अग्निशम एवं ओड्राफ टीम पक्ष आज भी उद्धार कार्य जारी रही। गतकाली राति उद्धार कार्य बंद रही। जगत सिंहपुर पारादीप चंडीखोल रास्तार भूतमुंडाई पोलर महानदी को गतकाली एक 14 चकिया ट्रक खसी पड़ा। ट्रकटी चंडीखोल आड़क जा भूतमुंडाई पोलर भारसाम्य हर बाम पोट को प्राय 40 फुट तलक खसी पड़ा। तेज ट्रक ड्राइवर अजित मंडल निखोज रही। निखोज ड्राइवर अजित स्थानीय उदयवट अंचल जमापड़ घटनास्थल स्थानीय लोक पुलिस और अग्निशम विभाग एवं ओड्राफ टीम पहुंच खोजाखोजी जारी रखी। खोलुछी टी सिंडिकेट टीचर अपराध साम्राज्य गोटे पर गोटे पेड़ी खोलुछी क्राइमब्रांच एसटीएफ। अधिक खोलताड़ टीटो को आज पुणी चारिदिनिया रिमांड आणव एसटीएफ। ठिकादार बुढ़ा लिंका ठारु 70 लाख टंका दादाबटी मामलें टीटो को अधिक पचराउचरा। पूर्व तीनोटी पर्यायर टीटो को 12 दिन रिमांड नहीं पचराउचरा कर सारी एसटीएफ। इस समय एसटीएफ हाथ में लगी अनेक तथ्य। जून 30 रे टीटो को एसटीएफ गिरफ्त कर।
अच्छा परवर्त खबर को श्रीमंदिर रत्नभंडार चाबी हजार प्रसंगे आज बस गुरुत्वपूर्ण बैठक पूरी में सर्किट हाउस बस कमिशन प्रथम बैठक जस्टिस रघुवीर दास अध्यक्षतार बैठक अनुषित विभिन्न तथ्य एवं कागजपत जांच करते कमिशन चाबी हजार नहीं राज्य सरकार कमिशन को तदंत भार देते एने कमिशन सत्यपाठ आह्वान करते गत 25 तारीख से शेष हो सत्यपाठ दाखल अवधि आज राज्य कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक संध्या सचिवालय में मुख्यमंत्री अध्यक्षतार बैठक बस राज्य खाद्य सुरक्षा बिल रे विधिवत भाव मोहर बाजिबो यासह अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंगे बैठक में आलोचना हो पारे तबे क्यों क्यों प्रस्ताव उपरे आलोचना हेबो से नै निर्दिष्ट सूचना मिल पारे नै असंता 48 घंटा मध्य राज्यर केतेक स्थान में वर्षा संभावना गोटे दुईट स्थान में हो पारे प्रबल वर्षा उत्तर उपकूल ओडिशार आखपाख अंचल एक घूर्णिबलय सृष्टि होइथिबारु ताहा प्रभाव में उत्तर एवं पश्चिम ओडिशार वर्षा हेबो विशेषकर केन्दुझर सुंदरगढ़ संबलपुर मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर और कलाहांडी में वर्षा सह कालबैशाखी संभावना रही है। बालेश्वर मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिले में प्रबल वर्षा हो पाणीपाग विभाग आकलन कर दृष्टिहीन छात्री खुशी खबर ब्रह्मपुर राज्यर एकमात्र कंप्यूटरीकृत ब्रेल मुद्रणालय प्रथम थर पर छपा जा विभिन्न प्रकार आईन पुस्तक सरकार पक्ष मोट 37 पुस्तक तालिका प्रस्तुत कर वर्तमान सुधा 20 पुस्तक छपा कार्य शेष हो खूब शीघ्र अवशिष्ट पुस्तक छपा देखा न्यूज 18 ओडियार विशेष रिपोर्ट ब्रह्मपुर कंप्यूटरीकृत ब्रेल मुद्रणालय छपा चली दृष्टिहीनों आईन बही आगर शुणी शुणी आईन कानून जानुले एवे किंतु ब्रेल रे छपा बही पढ़े विभिन्न विभाग पर आवश्यक मोट 37 प्रकार आईन कानून संपर्कित पुस्तकगुड़िक छपा एपर्तंत 20 पुस्तक छपा और प्रूफ रिडिंग सर एभली पुस्तक प्रथम थर पर छपा जा दृष्टिहीन छात्र छात्री यह बेस उपयोगी होपार बोली आशा करा जाउछि चलित वर्ष जो दुईज पाइले प्रशासनिक सेवा ओडिशा प्रशासनिक सेवा से परिप्रेक्षी गवर्नमेंट आम कहला से जो जहाँ से दैनंदिन कार्यधारा जहाँ जहाँ प्रशासनिक पुस्तक सब दरकार से गुड़क ब्रेल करने 37 पुस्तक चिन्हट हो आउ आमे भी 20 पुस्तक प्राय ब्रेल करी दे सारूँ एवे ला बुक्स अनेक गुट ला बुक्स सफाला जहाँफल कि आमर ब्लाइंड पाने युड़ पढ़ी पारे आने प्रशासनिक क्षेत्र में आगे आगे पारे दृष्टिहीन छात्र छात्री मानू पाठ्य पुस्तिका जोगाई देवाई ब्रह्मपुर में मानुआल ब्रेल छापाखाना कर तबे आवश्यकता पूरण न हेबारु एठारे कंप्यूटरीकृत ब्रेल मुद्रण जंत्र बसागला आम राज्य में दृष्टिहीन छात्र छात्री को केवल विद्यालय स्तर में बही मिलुछि हेले कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर में कौनसी बही मिलुना जदि उच्च शिक्षा रे एमानक पई बही छपा जांता ताहाले प्रशासनिक स्तर में एमाने सफल हो पारंते सेपटे उच्च शिक्षा पई पुस्तक छपा जबा किछि असंभव नुहे बोली कहिछन्ति ब्रेल मुद्रणालय परिचालक अधिक कर्मचारी को नियुक्ति सहित ठीक समय रे उचित प्राप्य प्रदान एवं सरकारी कर्मचारी मान्यता देने एसबू हो पारे स्पष्ट जदि कॉलेज स्तर जदि ब्रेल बुक जगह दिगला बोले आम दिने ना दिने आईएएस ओएएस आमर संभावना अच्छी आम देखू आम से प्राउड फिल करू आम निजुक निजे नहीं जहाँ इनपुट दरकार आम पारू गवर्नमेंट जदि दिए ताहिल निश्चय कॉलेज भी बही हम पुणे आमर बहुत गुड़े साहित्य कविता एमती कि महाभारत हो भागवत हो बहुत गुड़े जिनस आम संस्कृतिर वर्तमान सुधा ब्लाइंड लोकों पाखे पहुँची पारे खाली पाठ्य पुस्तिका नुहे अन्यान्य अदरकारी पुस्तक भी ब्रेल रे छपागले राज्य दृष्टिहीन छात्र छात्री माने बेस उपकृत हो पारे ब्रह्मपुर कैमरामैन प्रदीप्त परीक्षा सह शक्तिधर राजगुरु न्यूज 18 ओडिया अमल होछि सह सह क्विंटल सपुरी हेले चासी हताश रायगढ़ जिला नियमगिरी पहाड़ में डंगरिया चाष करुछंती उन्नत किसम सपुरी हेले बजार अभाव कारण क्षति सहिले भी बेपारी करिपारु नाहंती मूलचा
ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉଥିବାରୁ କାମ ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନର ଚାଟିକୁଣା ବଜାର। କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ, ଅସ୍ଥାୟୀ ହାଟରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବେପାରୀ। ନିୟମଗିରି ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ସପୁରୀର ପାହାଡ଼, ସୁଆଦିଆ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କିସମର ସପୁରୀ ଚାଷ ସ୍ଥାନୀୟ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ଯେତେ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ବି ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ପେଟ ଅପସା ରହୁଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ। ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଏହି ସପୁରୀର ଚାହିଦା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ଦଲାଲକୁ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ସପୁରୀ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ୟୁପି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିକ୍ରୟ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଉନୁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚାଷ କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ପଇସାଟି ପାଉନୁ। ଯଦି ସରକାର ଟିକେ ଚାହିଁକିରି ଆମକୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇକିରି ଚାଷରେ ଛବି ଚାଷରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କୁ ବଜାର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଟିକୁଣା ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଜନଜାତି ବଜାର। ହେଲେ ବିଷମ କଟକ ଷ୍ଟେସନଠାରୁ ଚାଟିକୁଣା ବଜାର ଦୂର ହେଉଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ନା ଚାଷୀ ନା ବେପାରୀ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି। ପାଣି ଯେଉଁଠି ଶୋଷ ସେଇଠି ନିୟମରେ ନିୟମଗିରି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜାରରେ ହିଁ ସପୁରୀ ପସରା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଏପଟେ ସପୁରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ଅଧିକାରୀ। ସେଠି ଯାଉ ବେପାରୀମାନେ ସେଠି ନ ଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଫଳ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠି କିଣାବିକା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ତରଫରେ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିକି ବିକିପାରିବେ ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ। ବେପାରୀ ଏବଂ ଦଲାଲ ଡଙ୍ଗରିଆଙ୍କଠାରୁ ସପୁରୀ ଗୋଟାକ 5-10 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡଙ୍ଗରିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ତିମିରେକୁ ସେଇ ତିମିରେ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଚାଟିକୋଣାରେ ଏସିଆନ୍ ଆଗ୍ରୋଫୁଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ଜୁସ୍ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ବି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସପୁରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ପାଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଘରେ ପଶି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଛୁଟିରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଲୱାମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତ ଯବାନଙ୍କର ନାଁ ନାସିର ଅହମ୍ମଦ ସଦର। ସେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଲଟୁଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରରେ ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା। ଆସାମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଗରିକ ରେଜିଷ୍ଟାର ଏନ୍ଆର୍ସିର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଆସାମ ସରକାର ଆଜି ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ଆସାମରେ ଏନ୍ଆର୍ସିର ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ 3.29 କୋଟି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1.9 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ନାମ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଏହା ସ୍ୱଷ୍ଟ ହେବ ଯେ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତର ନାଗରିକ କି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆସାମରେ ହିଁ କାହିଁକି ଏନ୍ଆର୍ସି? କାରଣ ଆସାମରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ବହୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ରହିଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠାରେ ହିଂସା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ଲଣ୍ଡନରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମହିଳା ହକିର ପୁଲ୍ ବିରେ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକା ସହ ମ୍ୟାଚ୍ 1-1 ଡ୍ର ରଖିଛି, ଫଳରେ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବା ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରଖି ଭାରତ କ୍ରସ୍ଓଭର ବା ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବା ଇଟାଲିକୁ ଭେଟିବ। ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କ୍ରିଷ୍ଣା ଏ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ର ପ୍ରମୋସନ, ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଳାକାରର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନିଜେ କ୍ରିଷ୍ଣା ରେଡ୍ଡି ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ନବାଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ନାୟିକା ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାର 12 ସହରରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋସନ କରାଯିବା ବୋଲି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା କହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କିପରି ତଳ ସ୍ତରରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା ସିନେମାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ସକାଳ ଓଡ଼ିଶା କୁ ଏଇଟି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।